students and welcome to your English class. So we are studying subject and predicate. I hope that you all understood what is subject and what is predicate. Now today we are going to discuss the structure of a sentence or sentence structure. Okay. So students, as you all know, the sentence is divided into subject and predicate. It is divided into two parts, that is the subject and the predicate. Now one more thing, that every sentence has a subject, a verb and an object. Okay, so a subject kya hai, ye to aap sabko hi pata hai ki jiske bare mein sentence hota hai. A subject is a person or a thing whom the sentence is about. Okay, jiske bare mein sentence hota hai wo kya hota hai, that is your subject. And what is verb? Whatever action is being performed by the subject is a verb in a sentence. Subject जो भी action perform कर रहा है वो क्या है, वो उसका verb है. Okay, जो भी action हम करते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं अपनी previous classes में कि verb क्या है. All action words are verb. Whatever action we perform, we sing, we dance, read, write, play, जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो वर्ब होता है. तो यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब कौन सा होता है, जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, दैट इज वर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, एंड नाउ द इट्स टर्न फॉर द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ये वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई इंसान भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को रिसीव करता है. ओके, अब ये कैसे, वो जब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. वन मोर थिंग, दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब. ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है. वर्ब मीन्स जो भी एक्शन है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसके बाद में हम देखें अगर सेंटेंस में, तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट को पाएंगे. ओके, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं. दे कैन बी नाउन और प्रोनाउन. ओके, एंड एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हुम. जहां भी आपको सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. सो इट इज अ इजियर मेथड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कि जहां पर आपने सेंटेंस पढ़ा आप सब्जेक्ट हमें फाइंड कर पाओगे. आपको पता है कि जनरली सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर पाओगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, और एक्शन वर्ब भी आपको पता चल जाएगा. और ऑब्जेक्ट आपको, अगर वहां पर आपको व्हाट और हुम का आंसर मिल रहा है कहीं पर भी, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गवर्न बाय द वर्ब और द प्रपोजिशन. So these are some of the basic things that we have to know about the object. So that is the structure of a sentence. I repeat, कि किसी भी sentence में एक subject होता है, verb होता है और object होता है. कई बार object नहीं भी होता है, तो वो हमें find करना पड़ता है कि इसमें sentence में object है कि नहीं है. तो subject हम सबको पता है कि जिसके बारे में वो sentence होता है, that is your subject. And the action that is performed by the subject, that is your verb. And the person or the thing that receive the actions from the subject, that is your object. Okay, now let us understand this topic through some examples. Okay, so these are the examples, students. First is, I love weekends. So here you can see, now you have to first find out what is the subject in the sentence. सो यस, करेक्ट, आपने फाइंड कर लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है कि येस, आई जो है ये आपका सब्जेक्ट है. यहाँ वर्ब कौन सा है? येस, लव इज वर्ब. एंड आई लव व्हाट, यहाँ हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है. सो आई लव व्हाट, आई लव वीकेंड्स. सो वीकेंड इज द ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज यू लर्न इंग्लिश. सो अगेन हियर सब्जेक्ट इज यू एंड एक्शन इज learn, that is verb is learn and you learn English. तो यहाँ पर what का जवाब मिल रहा है, तो हम ये क्या है, हम English जो है that is our object. Okay, clear. Next is she rides a bike. Now what is the subject in this sentence? Here she is subject.
in this sentence, she, about whom we are talking? We are talking about some girl or lady. Okay, so she के बारे में बात कर रहे हैं, तो she is subject and then rights. So rights जो है ये क्या है, ये action है जो subject के द्वारा perform किया जा रहा है. So rights is a verb, a bike. तो यहाँ पर what does she ride? She rides a bike. So a bike क्या है, ये आपका object है. Clear? Next examples, Sue eats fish. Now this sentence is about whom, किसके बारे में sentence है. Yes, यहाँ पे Sue की बात हो रही है कि वो क्या खाती है. Sue is a subject. Now eats is a verb and fish is a object. Okay, next, Gil plays tennis. तो Gil क्या है, Gil is a subject, plays is a action, that is your verb. और वो क्या खेलता है, और वो क्या खेल रहा है, he is playing tennis. Okay, so tennis क्या है, ये आपका object है, क्योंकि यहां पर हमें what का answer मिल रहा है. Okay, next example is Fred drives the car. Now you guess which is the subject here. Yes, Fred is a subject. क्योंकि ये sentence किसके बारे में, हमें किसका description दे रहा है, it is giving a description of Fred. Fred के बारे में बता रहा है कि उसे वो क्या करता है. तो Fred है हमारा subject. Which is the action? Drives जो है ये action है. The car is a object. Clear? So from these six examples, I hope that you understood what is a subject, what is a object and what is a verb in a sentence. So इस तरह से आप किसी भी sentence में subject, verb और object find कर सकते हो, है ना. This overall is a structure of a sentence. Now again we are going to read out some more examples, okay? ताकि आपको ये बहुत easily समझ में आ जाए कि subject, verb और object क्या है, okay? So अब जो मैं examples find out करने वाली हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको एकदम clear हो जाएगा ये topic. So let's start. The first sentence is I saw John. So now you tell me which is the subject in this sentence. Yes, correct. I is a subject. Okay. Next, what is the verb? Yes, saw is a verb and John is a object. Is an object. So I saw John. This is the structure of a subject, verb and object. Okay. Next, they read the book. So यहाँ पर subject क्या है, किसके बारे में मैंने ये आपको बताया है कि subject और object noun भी हो सकते हैं और pronoun भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर they जो है ये क्या है, it is pronoun. वहां ऊपर I जो था वो भी pronoun था, तो subject हमारा pronoun भी हो सकता है और noun भी हो सकता है. So they read the book. So they is a subject. And what is the verb? Yes, कौन सा action हो रहा है यहाँ, reading का action हो रहा है. What they are doing? They are reading. So read जो है ये verb है and what they are reading. Here we are getting the answer of what. मैंने आपको बताया है जहाँ पर भी आपको what और whom का जवाब मिल रहा है वो आपका object है. So the book is a object. Next, John speaks English. Again, you can easily find in this sentence, खाली three words ही हैं यहाँ पर. John is a subject, speaks is a verb and English is a subject. Clear? Next, my father bought the blue shirt. So, my father. तो यहाँ पर subject क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं, मेरे father, my father. So, my father is your subject. Now, what is the verb, what action he did? He bought, लाने का action किया ना उसने. तो यहाँ पर जो bought है वो क्या है, that is a verb and the blue shirt is the object. Okay, next one, the girl spoke to the teacher. So here you have to find out, again you have to find out the subject, verb and object. So the girl is a subject and spoke is action that is performed by the subject, so that is the verb, and to the teacher is an object. Okay, next, the man from Isfahan spoke to me. So here the subject is, अब आप बोलोगे the man, no, अभी उस आदमी का description खत्म नहीं हुआ है जिसके बारे में बात हो रही है. So he is from Isfahan. So the man from Isfahan is a subject, spoke is a verb and to me.
सो द मैन फ्रॉम इसाफान इज योर सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं हुआ है. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं हो सकता, दे कैन बी नंबर ऑफ वर्ड्स. सो यहाँ पर द मैन फ्रॉम इसफान ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है, एंड वर्ब इज स्पोक, एंड टू होम ही स्पोक, टू होम, होम का जो आंसर मिल रहा है यहाँ पर, तो टू मी इज योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स आई होप दैट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा द वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस. मीन्स ओनली वॉचिंग द वीडियो इज नॉट इनफ फॉर यू. खाली आप वीडियोज ही देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको जो भी एग्जाम्पल्स मैं वीडियोज में करवा रही हूँ वो, और प्लस जो भी वर्कशीट, वट एवर वर्कशीट आई एम गिविंग टू यू, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे. अगर आप सिर्फ वीडियोज देख रहे हो या सुन रहे हो तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी सीरियसली एंड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे. Keep practicing, keep working hard and stay safe, stay home. Thank you and have a nice day.